हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज इतना अच्छा मौसम है, आप हर जगह आपके एरियाज में भी काफ़ी बारिश वारिश हो रही होगी, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेस्ट 5 रेनी सीजन के फ्रेग्रेंसेस। गर्मी भी है लेकिन रेन्स हो रही हैं, मानसून का सीज़न आने वाला है, आ गया है कई कई जगह पर। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं बड़े अच्छे ऑप्शंस की, लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शंस भी हैं, आपको 8+ आवर की लॉन्जेविटी देंगे इजीली। प्लस इस वेदर के लिए बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कामिंग इफेक्ट देते हैं फ्रेगरेंस। सबसे पहला फ्रेगरेंस मैं बता रहा हूँ वो है मंसेरा की तरफ से कोको वनी। इस फ्रेगरेंस की खास बात ये है कि ये आप विजुलाइज़ करोगे कोको वनी तो इसके अंदर कोको का नोट डेफिनेटली आता है। सो इट्स गुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये इनफैक्ट मेरे काफ़ी कस्टमर्स को मैंने रिकमेंड किया जिनको थोड़े से मैं ये नहीं कहूँगा ऑलमोस्ट गोरमांड की जैसे स्मेल देते हैं लेकिन फ्लोरल एलिमेंट्स मेंटेन करते हैं। आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोको शनेल का फ्रेगरेंस विजुलाइज ऐसे किया होगा कि उसके अंदर कोको का नोट होगा। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं पहले सोचता था कि कोको शनेल जो फ्रेगरेंस है वो कैसा स्मेल करता होगा, तो एल्डिहाइड्स उनका जो एक प्रोमिनेंट नोट है वो उसमें ज़रूर होता है, एयरी नोट। इसी के साथ साथ उनका इलांग इलांग का नोट बहुत से फ्रेगरेंसेज में शुरू से के कोको शनेल के, हम विंटेज परफ्यूम्स की बात भी करें, नंबर 5 चाहे अब के फ्रेगरेंस की बात भी करें, उनमें वो इलांग इलांग का नोट, वो फ्लोरल सा फ्रूटी सा नोट ज़रूर होता है जैस्मिन का। तो इस फ्रेगरेंस को वैसा मैं कह सकता हूँ, तो अगर आप कह सकते हो कि कोको शनेल की जैसी वाइब देने वाला एक फ्रेगरेंस जिसके अंदर कोको का बड़ा अच्छा नोट हो, साथ ही साथ इलांग इलांग जैस्मिन, बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है, बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। तो ये मेरा पहला रिकमेंडेशन हो गया इस वेदर के लिए, ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं बहुत डीप में आपको नोट्स नहीं बताऊंगा सारे के सारे क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, डिटेल्ड वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। पहले भी बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाए हैं इस चैनल पे, आप ज़रूर चेक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फ्रेगरेंस रिलेटेड कॉन्टेंट के बारे में, परफ्यूम्स आपको कौन से अच्छे लगते हैं, कौन से लेने चाहिए उनके बारे में जानने के लिए। दूसरा रिकमेंडेशन है रसासी की तरफ से शुरा। इसकी आप बॉटल की प्रेजेंटेशन आप यहाँ चेक कर सकते हो। अ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस अगेन, बहुत अच्छी लॉन्जेविटी देगा आपको। इसके नोट्स की बात करें तो ये भी एक फ्लोरल मस्क डोमिनेंट फ्रेगरेंस है, बेस में मस्क है, बहुत ही रिच थिक है। कई लोग इसको थोड़ा सा टर्न ऑफ होते हैं कि इसका ड्राई डाउन, कई लोगों को थोड़ा स्मोकी सा, थोड़ा सा सिगरेट के जैसी वाइब देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप क्या आपका सिगरेट पी के आया, तो ये अगर आपको कॉम्प्लीमेंट इस फ्रेगरेंस से मिले हैं तो ये बिल्कुल सही है, वैसी इसकी वाइब आती है। तो अगर आपको कोई इशू नहीं है एक स्मोकी सा फ्रेगरेंस पहनने के लिए, वेयर करने के लिए, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े अगर मैच्योर पर्सन हो, मैच्योर मैन हो, अच्छा टेस्ट है आपका फ्रेगरेंसेस में, तो ये ज़रूर आपके लिए अच्छा है। अमेजिंग फ्रेगरेंस, ग्रेट बॉटल और लॉन्जेविटी तो मैंने बताया, सबसे बेस्ट है इन सब फ्रेगरेंसेस एक्चुअली। अगला जो फ्रेगरेंस मेरा है ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ हर बंदे के लिए जो थोड़ी अर्दी सी वाइब चाहता है, स्पेशली इस सीज़न में, रेनी सीज़न में आपको अगर वाइब चाहिए थोड़ी अर्दी सी, थोड़ी मिट्टी के जैसी वाइब चाहिए, यू मस्ट ट्राई दिस एग्वा सिट्रिका। एग्वा सिट्रिका ट्रूडी की तरफ से है, ट्रूडी एक ब्रांड है जिसके बारे में मैंने बात की है, आई बटन में वीडियो में डाल दूंगा, उसमें मैंने सारे इनके तमाम फ्रेगरेंसेज के बारे में बात की है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है इनकी लाइन में से, हाँ, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। एग्वा सिट्रिका सिट्रस नोट्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, और जैसे मैंने बताया जैसे बारिश की बूंद पड़ती है और वैसी जो वाइब आती है आपको, कमाल की वाइब आती है, आपको मज़ा आ जाएगा ये स्मेल करोगे। तो सैंडलवुड का इसमें नोट है, साथ ही साथ चौक जैसी एक मैंने डिस्क्राइब किया था कि जैसे चौक की एक आप वाइब देखते हो जो अब मतलब बचपन में आपको नॉस्टैल्जी आपको हो जाएगा कि आपके स्कूल डेज में जो आप चौक से कहीं लोग खा भी लेते हैं चौक को, वैसी आपको वाइब इसमें आएगी, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है एग्वा सिट्रिका, मेरा ये रिकमेंडेशन है। अगला जो ऑप्शन है गाइस वो है 24 गोल्ड एलिक्सर वर्जन, ये आप देख लीजिए बॉटल। तो 24 गोल्ड एलिक्सर वर्जन में भी आपको एकदम नॉस्टैल्जिक वाइब आएगी, ये बहुत अंडररेटेड है। इसके जो दूसरे फ्रेगरेंसेज हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, 24 गोल्ड की बात करें, 24 गोल्ड वुड वर्जन की बात करें वो ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा इस सीज़न के लिए। ये आपको नॉस्टैल्जिक वाइब कैसे देगा, जब आप रेनी सीज़न की बात करते हैं तो सभी के घरों में चाय पकौड़ों की ज़रूरत होती है, आप बताइए मुझे कमेंट करके, ऐसा होता है कि नहीं, सभी घरों में होता है हर इंडियन परिवार में। तो ये आपको वैसी नॉस्टैल्जिक वाइब देगा क्योंकि इसके अंदर एक वो चाय का जैसा, एक कार्डमम टी के जैसा, इलायची चाय जैसा एलिमेंट्स हैं, कार्डमम के साथ साथ इसके अंदर मिल्की सा वनीला का नोट है, और बिल्कुल आपको अपने नॉस्टैल्जिया
में वापस ले, अपने बचपन में वापस ले जाएगा। सैफरन का, हनी का, मेन नोट कहूँगा हनी का, सैफरन का नोट इसमें ज़्यादा है, कार्डमम भी है, आपको बिल्कुल वाइब आएगी। थिक रिच कॉन्सेंट्रेशन इस वेदर के लिए बहुत ही अच्छा, ज़रूर ट्राई करिए 24 गोल्ड एलिक्सर, इसकी लॉन्जेविटी भी बहुत अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फेवरेट फ्रेग्रेंस है, मेरे पास बॉटल नहीं है अभी, ये टॉम फोर्ड की तरफ से है, इसको बहुत से लोग जानते होंगे, टॉम फोर्ड वुड वुड। यहाँ पे आप हमारी डिकैंट बॉटल भी देख सकते हो, तो दिस इज़ अवर डिकैंट बॉटल, ये हम प्रेजेंटेशन देते हैं 10 ml। इसको मैं स्प्रे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, बहुत नेचुरल नोट्स आते हैं इसमें मैं कहूँगा, लेकिन बड़े ही बहुत ही अर्ली रिच नोट्स आते हैं इसके अंदर, वुड्सी नोट्स आते हैं, जो सबसे मुझे ज़्यादा इसमें नोट खिल के आता है वो है ब्राज़ीलियन रोज़वुड का, बहुत ही अच्छा, आप इसको इंडियन रोज़वुड से भी थोड़ा सा कह सकते हो, बहुत अच्छी वाइब आती है, क्रीमी सी, इसके अंदर भी वनीला है, वनीला का इसमें ड्राई डाउन है, इसका बेस वनीला में है, सैंडलवुड में है, मैं कहूँगा कमाल का ये फ्रेगरेंस, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, हर फ्रेगरेंस एंथुसियास्ट को। दीज आर अवर रिकमेंडेशंस, कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको कौन से और वीडियोस देखना पसंद है इस चैनल पे, कैसा हम लोग कंटेंट और आगे आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ मांचू साइनिंग आउट, पीस।